हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की टॉप स्टोरी के साथ। 2014 में 44 सीटों पर सिमटी हुई कांग्रेस 2019 में अपनी सांसद बढ़ाने के लिए जी जान से कोशिशों में जुटी हुई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में उसी कोशिश को धार दे रही है। प्रियंका आज से 3 दिन के यूपी के दौरे पर, जहां वो सबसे पहले अपने भाई और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र गांधी वाड्रा यूपी में उसी कोशिश को धार दे रही है। प्रियंका आज से 3 दिन के यूपी के दौरे पर, जहां वो सबसे पहले अपने भाई और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगी और लोगों से बात करेंगी। इसके बाद वो पहुंचेंगी रायबरेली में, अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करेंगी और इसके बाद वो कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को धार देने के लिए अयोध्या दौरे पर निकल जाएंगी। तो बहुत अहम दौरा, 3 दिन का सोनिया गांधी का पूर्वी उत्तर प्रदेश महासचिव कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिन के दौरे पर निकल रही हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बहुत अहम ये दौरा सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर ये दौरा माना जा रहा है। प्रयागराज पहले गई, उसके बाद वाराणसी और अब अयोध्या की तरफ कूच करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पहले सीधा अयोध्या पहुंचने वाली थी, लेकिन फिर दौरे में कुछ बदलाव किए गए सुरक्षा के मद्देनजर। अब पहुंचेंगी पहले अमेठी, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, प्रचार करेंगी उनके लिए। उसके बाद पहुंचेंगी रायबरेली, प्रियंका गांधी के लिए, अपनी मां सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी प्रचार करती हुई नजर आएंगी और फिर आगे बढ़ेंगी। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ गए और जानकारी के साथ रायबरेली से। रजत राकेश टंडन, बहुत अहम ये सोनिया गांधी का, ये माफ कीजिए प्रियंका गांधी का जो ये दौरा है 3 दिन का, और पूरी कोशिश प्रियंका गांधी की 44 से बढ़ जाएं कांग्रेस के अंदर सांसद, जिस तरह से वो पूरी कोशिशों में जुटी हुई हैं, जन जन संपर्क साध रही हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जान रही हैं और वादा कर रही हैं कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो पूरी तरह से उनके हर वादे को, किए गए को वो पूरा करती हुई नजर आएंगी। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन से हम आगे संपर्क साधेंगे, उनसे संपर्क साधने में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, एक रिपोर्ट देखते हैं आइए। राम की नगरी में प्रियंका का इंतजार बढ़ा। प्रियंका की अयोध्या यात्रा में बदलाव। पहले 27 मार्च को दौरा था, अब 29 मार्च को पहुंचेंगी। लोकसभा चुनाव में राहुल के सिर जीत का ताज पहनाने के लिए प्रियंका कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बाद प्रियंका अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में मेगा शो करेंगी, लेकिन उनके अयोध्या दौरे में बदलाव हुआ है। अब प्रियंका 27 मार्च की बजाय 29 मार्च को अयोध्या आएंगी। उसका असर पड़ेगा, उनके आने का निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में असर पड़ेगा। प्रियंका गांधी ट्रेन से जगदीशपुर अमेठी होते हुए अयोध्या पहुंचेंगी। वे कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल खत्री के समर्थन में रोड शो करेंगी। रोड शो के इस रूट को भी बदला जा सकता है। प्रियंका हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगी और पूजा अर्चना भी करेंगी। प्रियंका के अयोध्या दौरे पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार के किसी शख्स को राम की याद आई हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी अयोध्या का दौरा किया था, लेकिन वो यूपी में कांग्रेस को जिताने में कामयाब नहीं रहे। ऐसे में देखना होगा कि प्रियंका का दौरा कितना सफल रहता है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं अमेठी, जहां से मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ गए और जानकारी के साथ। रजत राकेश टंडन, प्रियंका गांधी जो हैं मंदिर मंदिर जा रही हैं, मत्था टेकती हुई नजर आ रही हैं, जन जन संपर्क साध रही हैं, लेकिन बेड़ा पार करते हुए लगता है कि प्रियंका
गांधी ही नजर आ रही हैं। अब ये तस्वीरें दिखा देते हैं पहले अपने दर्शकों को, अपने संवाददाता की तरफ बाद में रुख करेंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये प्रियंका गांधी जिस तरह से लोगों से जुड़ रही हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अब आज से निकलने वाली है वो अमेठी, रायबरेली और अयोध्या के दौरे पर।